दोस्तों, बीपू टेस्टी किचन ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बीपू टेस्टी किचन ब्लॉग की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। देखिए दोस्तों, होली आए और गुजिया ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बता देते हैं। मैदा, सूजी, देसी घी, रिफाइंड पिसा हुआ चीनी, सूखी नारियल घिसी हुई, ड्राई फ्रूट, इलायची की दाने। चलिए बना लेते हैं। पहले मैदा गूंद लेते हैं। हमने एक कटोरी मैदा लिए हैं। इसमें देंगे 2 चम्मच रिफाइंड, 2 चम्मच कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें पानी देंगे, पानी देके अच्छी तरह से गून लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी देके गूनेंगे। मैदा गून लिया है, अब इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब बनाएंगे गुजिया का फिलिंग। अब इसमें देंगे 2 चम्मच ओरिजिनल देसी घी। अब ड्राई फ्रूट को हल्का सा भून लेंगे। ये हो चुका है, इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसी में सूजी को भी भून लेंगे। दो बड़ा चम्मच सूजी, सूजी ब्राउन हो चुका है। अब इस पे देंगे नारियल 1 कटोरी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इसे आप धीमी गैस में ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगा, इसका स्वाद भी नहीं आएगा। अब इसमें देंगे पिसा हुआ चीनी 1 कटोरी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें देंगे ड्राई फ्रूट जो फ्राई करके रखा था। अब इसमें दे देंगे इलायची। गुजिया का फिलिंग तैयार हो चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैदा का लोई बना लेते हैं। अब इसे छोटे छोटे करके लोई बना लेंगे। इसे बेल लेंगे। अब गुजिया में फिलिंग भर लेते हैं। अब इसकी चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अब इसको मोड़ लेंगे। ऐसे
ऐसे करके सारे गुजिया तैयार कर लीजिए। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें देंगे रिफाइंड ऑयल। अब तल लेंगे गुजिया। दोस्तों धीमी आंच में ही तलिएगा गुजिया को, नहीं तो जल जाएगा। अब इसे पलट लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। दोस्तों गुजिया बना लिया है। आप लोग भी होली में गुजिया बनाइए और खूब मजे कीजिए होली में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नया किचन ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।